हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। सेक्शन 53 जो है वो फ्रॉडलेंट ट्रांसफर के बारे में बात करता है। अब ये फ्रॉडलेंट ट्रांसफर क्या आती है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर का मतलब होता है कि जैसे मान लो ए एक व्यक्ति है जो कि एक लैंड का ओनर है, यदि ए एक व्यक्ति है वो एक लैंड का ओनर है, अब वही जो ए व्यक्ति है वो बी व्यक्ति से 50,000 रुपये लोन लेता है ये कहकर कि मैं 2 साल बाद ये पैसे आपको वापस कर दूंगा, और उसको एक प्रॉमिसरी नोट बनाकर दे देता है। ठीक है, अब 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद जब बी जो है ए के पास जाता है कि भाई तुमने मेरे से 50,000 रुपये वापस लिए थे, वो पेमेंट मेरी वापस कर दो, लेकिन जो ए है जो कि एक लैंड का ओनर था जिसने 20,000 रुपये लिए थे, वो बी को वो पेमेंट वापस नहीं करता, तो जो बी होता है वो क्या करता है कि वो कोर्ट में एक सूट फाइल कर देता है। अब जब सूट चल रहा होता है तो ए को ये लगता है कि शायद सूट जो है जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो बी के फेवर में आ जाएगा, उसको डिक्री मिल जाएगी कोर्ट से कि भाई पैसे मेरे को उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब कोर्ट से कैसे पैसे ले जाते हैं, जब वो डिक्री एग्जीक्यूट कराएगा तो कोर्ट से पूछेगा बी से भाई मैं तुम्हारे पैसे कैसे दिलाऊं, तो वो उसको उसकी लैंड का हवाला दे सकता है कि भाई उसकी वो जो लैंड है उसे बेचकर उसे बिकवा कर सेल करवा कर मुझे मेरे पैसे दिलवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती है और ए को ये लगता है कि भाई जो है ये जो बी के फेवर में ऑर्डर आएगा वो उससे पहले ही कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान ही वो क्या करता है कि वो जो उसकी बात लैंड थी वो एक्स को सेल कर देता है। अब जब वो एक्स को वो लैंड सेल करता है तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो एक्स है उसको इसके बारे में पता होता है कि ये जो लैंड है वो लैंड के बारे में, मतलब उसको लैंड के बारे में पता होता है कि शायद ये लैंड जो है वो बी को देनी पड़ सकती है, कि यहाँ पे एक सूट चल रहा है कि ए ने बी से लोन लिया था, तो उस चीज़ सारी चीज़ के बारे में जो एक्स था उसको इसकी नॉलेज थी, तो यहाँ पे फिर भी जो एक्स है उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। तो यहाँ पे अगर एक्स को इसके बारे में नॉलेज थी, भले ही उसने पैसे दे के वो प्रॉपर्टी खरीदी हो कैसी भी खरीदी हो, उसके बारे में सारी नोटिस थी, 50,000 की डील के बारे में सब कुछ उसे पता था, फिर भी वो खरीद लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहेंगे कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांसफर है, मतलब कि जो ट्रांसफर है ये गलत है और इस फ्रॉडलेंट ट्रांसफर को वॉइडेबल माना जाएगा। ठीक है ना, कि भी ये ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर, मतलब कि जो बी है अगर वो चाहे तो ट्रांसफर को कैंसिल करवा सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, तो ये वॉइडेबल एक तरह का ट्रांसफर माना जाएगा। इसी के अंदर हम इसी बात को हम आगे फर्दर देखें कि जब एक्स ने लैंड खरीदी जो भी प्रॉपर्टी थी जिसका ओनर ए था और जो एक्स था उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो यहाँ पे ये देखा जाएगा कि अगर एक्स को उस प्रॉपर्टी के बारे में उससे उस ट्रांजेक्शन के बारे में कि भाई उस ए ने बी से लोन ले रखा है 50,000 रुपये का, ठीक है, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था और इस बिना नॉलेज के वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो फिर ये फ्रॉडलेंट ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, लेकिन पेमेंट कंसिडरेशन के बदले हो, मतलब कि जो लैंड उसने खरीदी हो कंसिडरेशन दे के खरीदी हो। अब यहाँ पे ये बात आती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, तो यहाँ पे होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ पहले तो क्रेडिटर के ऊपर होता है जिसने पैसे दिए थे, उसको ये प्रूफ करना होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है जो कि एक्स ने खरीदी है उसको इस बारे में पता था, सब कुछ नॉलेज थी कि मैंने जो है कि जो व्यक्ति है इसने मेरे को मेरे से लोन ले रखा है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है बी को प्रूव करने को, जो भी क्राइटर है कि भी मैंने लोन दे रखा था और मेरे कोर्ट में केस चल रहा था तो फिर भी इसने प्रॉपर्टी खरीद ली एक्स ने और एक्स को इस बारे में पता था, अगर इस बात को प्रूव कर देता है तो फिर बर्डन शिफ्ट हो जाएगा एक्स के ऊपर। अब एक्स को ये प्रूव करना होगा कि ये मेरे को नॉलेज नहीं थी, ठीक है, ये फ्रॉडलेंट ट्रांसफर नहीं है, मैंने कंसीडरेशन दे के पूरा पैसा दे के प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरी नॉलेज में कोई बात नहीं थी, तो ये बर्डन उसके शिफ्ट हो जाता है बाद में। ठीक है, इस तरह से बर्डन और प्रूफ इस तरह शिफ्ट होता है, दोनों को अपनी अपनी बातें प्रूव करनी होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेक्शन को एक बार रीड कर लेते हैं, ये सेक्शन क्या कहता है ये, ताकि आपको बात जो है ढंग से समझ आ जाए। देखो सेक्शन क्या कहता है ये,
बेन एक्ट में कहते हैं फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। फ्रॉडलेंट ट्रांसफर इसके अंदर दो हमारे सेक्शन है, सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन क्या कहता है कि एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि कोई भी अगर इमूवेबल ट्रांसफर करते हैं मेड विद इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जो पैसा उधार देता है, कि उसके उसकी पेमेंट को डिले और डिफीट करने के लिए जो ट्रांसफर होता है सेल भी मतलब एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद इंटेंट टू डिफीट टू डिले द क्रेडिटर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, जैसे ए जो है वहाँ पे ट्रांसफर था जिसने एक्स को अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, एक्स ट्रांसफर ही था और जो ए था वो ट्रांसफर था, तो ट्रांसफर का जो क्रेडिटर्स है उसको कब डिफीट और डिले माना जाएगा, सेल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर सो डिफीटेड और डिलेड। मतलब कि अगर आपने क्रेडिटर को डिफीट किया या डिले कराया तो ये क्रेडिटर्स की मर्जी पे होगा कि वो चाहे तो जो भी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी ताकि उसकी पेमेंट ना मिले तो उसको वो कैंसिल करवा सकता है। फिर ये कह रहा है नथिंग इन दिस सबसेक्शन सेल बी इम्पेयर द राइट ऑफ द ट्रांसफरी इन गुड फेथ एंड फॉर कंसीडरेशन। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफर या जो कि एक्स था, अगर उसने प्रॉपर्टी गुड फेथ में खरीदी तो उसका राइट बना रहेगा, ठीक है, उसको अपनी बात को प्रूफ करना होगा। जब उसके ऊपर बर्डन जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ की भी, प्रॉपर्टी उसने गुड फेथ के अंदर खरीदी है, अगर इस बात को प्रूफ कर देगा तो उसकी ट्रांजेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नथिंग इन दिस सबसेक्शन सेल बी इफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी। अगर इंसॉल्वेंसी से कोई एक्ट है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलग चलेगा आपका। फिर कह रहा है सूट इंस्टीट्यूट बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर अगर सूट इंस्टीट्यूट करता है विच टर्म इंक्लूड डिग्री होल्डर वेदर ही हैज और हैज नॉट अप्लाइड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री टू अवॉइड द ट्रांसफर ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज मेड विद इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है यहाँ पे और भी क्रेडिटर्स हैं ऑफ द ट्रांसफर सेल बी इंस्टीट्यूट ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर। मतलब मान लो कोई यहाँ पे जैसे बी है और भी क्रेडिटर हो सकते हैं, तो उन सबके बिहाफ पे जो ए है, जो सॉरी बी था, वो सूट फाइल कर सकता है, तो ए सभी को वो क्रेडिटर बना सकता है, सभी क्रेडिटर्स के बिहाफ पे वो सूट फाइल कर सकता है, सिंगल जो बी था, सबको अलग अलग सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी और भी क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने ए से पैसा ले रखा था उनके बिहाफ पे भी वो सूट फाइल कर सकता है कि भाई ये जो ट्रांसफर किया गया ये गलत है। फिर इसमें सबसेक्शन टू कहता है इसका 53 का कि एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसीडरेशन। पहले तो अगर आपने कंसीडरेशन देख के कराया तो फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कोई जो उसकी जो ट्रांसफर ही है, जैसे एक्स ट्रांसफर ही था, उसको इस बारे में पता था नहीं पता था, जान के क्या नहीं किया, तो हम देखते हैं कंसीडरेशन देके पैसे देके उसने प्रॉपर्टी खरीदी है। लेकिन वो सबसेक्शन टू कहता है कि एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसीडरेशन, अगर विदाउट कंसीडरेशन की आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है विद इंटेंट टू डिफीट और ए सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी सेल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच ट्रांसफरी। मतलब कि इसमें क्या है कि जो अगर ट्रांसफरी चाहे, ठीक है, कि एवरी ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसीडरेशन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड ए सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी शेल बी वॉइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ सच ट्रांसफरी। अगर वो ट्रांसफरी चाहे तो उसको कैंसिल कर सकता है अगर विदाउट कंसीडरेशन वो करी गई है, ठीक है ना। फिर है फॉर द पर्पज दिस सब सेक्शन नो ट्रांसफर मेड विदाउट कंसीडरेशन शेल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड द इंटेंट टू डिफ्यूट और डिफ्रॉड बाई रीजन ओनली दैट द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर बाई द कंसीडरेशन वॉज मेड। तो ये जो हमारा सेक्शन है ये चीज़ कहता है खाली, ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो उससे आपको पूरा पूरा सेक्शन समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।